हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। आज हम जानेंगे मल द्वार के आसपास जो लोकल एप्लीकेशंस वाली दवाइयां होती हैं उनको अप्लाई करने के लिए किस तरह का एप्लीकेटर होना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी हैं। डॉक्टर संजीत साहू, बिल्कुल सही, जैसा कि सर ने कहा, ये हमारे पास चार एप्लीकेटर्स हैं। प्लीज सर, ये चार एप्लीकेटर्स हैं। एक एप्लीकेटर से यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसमें आगे की तरफ कट्स लगे हैं, ये पूरा स्मूथ है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कम कट लगा हुआ है, फिर उसके बाद बिल्कुल स्मूथ एरिया है। फिर यहाँ पे देखिए कट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए इसमें छोटे 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 ओपनिंग्स हैं पूरे एप्लीकेटर में, और यहाँ पे देखिए ये पूरा स्मूथ है, और इसमें जो ओपनिंग है वो केवल सामने की तरफ है। ठीक है, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ एप्लीकेटर्स जिसको हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इन चारों एप्लीकेटर्स में जो सबसे बेहतर हमें रिजल्ट मिलता है वो इस वाले से मिलता है। ऐसा क्यों है? जैसे आपने देखा हो लॉक्स 2% या जो जली आती है उसमें भी देखिए जो एप्लीकेटर आता है वो साइड में कट नहीं होता, यहाँ से निकलती दवा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर दवा इस साइड से निकले तो हमारे एनल कैनाल में शायद चारों तरफ वो दवा अप्लाई हो जाए। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे भी अप्लाई करने पर चारों तरफ, जैसे हमने देखे हमने क्रीम ये अंदर पुश की, टूथपेस्ट की तरह हमने दवा दी। अगर मैं अपना हाथ दिखाऊं तो देखिए मेरे पूरे हाथ में दवा चिपक गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी अगर हम इस तरह के भी एप्लीकेटर यूज करें तब भी हमारे पूरी मलद्वार में जाके दवा चिपक जाएगी, और जहां पे हमें दिक्कत है वो हमारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत क्या होती है इस एप्लीकेटर में, जब हम एप्लीकेटर का यूज करते हैं, जैसे ये है, ये क्रीम हमने यूज कर लिया, हमने दवा जब यहाँ पे पुश किया तो दवा इसमें से निकल गई। जितनी दवा यहाँ से निकली उतना जो खाली स्थान हुआ वो वापस भरेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक, ये जो होती है एप्लीकेटर, देखिए ये प्लास्टिक की होती है, वो वापस भरेगा। जैसे टूथपेस्ट से हम टूथपेस्ट तो निकालते हैं, लेकिन जब वो जो उसका पैक होता है उसमें जब हवा भरती है तो वो क्या करती है, जब एयर इसमें वापस आता है तो इस इन रास्तों से आता है, तो क्या होता है कि जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है एनल कैनाल की वो चिपक जाती है। जब चिपक जाती है, जब हम इसको निकालते हैं ना, तो ये उसमें लगता है अटक गई है, यानी वहाँ पे रेजिस्टेंस हमें फील होता है। तो क्या होता है, जब म्यूकोसा मेम्ब्रेन इसमें चिपक जाएगी तो ये टीयर कर देता है, यानी हमारी एनल कैनाल की म्यूकोसा मेम्ब्रेन को वहाँ पे हल्का सा चीरा मार सकता है, जो फिशर या पाइल समय था उसमें चोट लगने से हमें समस्या बढ़ जाती है। इस तरह के एप्लीकेटर और इस तरह के एप्लीकेटर में थोड़ी सी समस्या हमने देखी है। कई बार हम लोग वहाँ पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब जब से हमने ये क्रीम यूज करना शुरू किया हमें दिक्कत बढ़ गई, तो हम लोग जब उसको एप्लीकेटर देखते हैं तो देखते हैं इस तरह के कुछ एप्लीकेटर का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इस तरह के एप्लीकेटर में ये समस्या हमने देखा है। अब इसमें क्या होता है कि जब जो दवा इस तरह यहाँ से निकलती है वो सामने से तो निकलती है, अब जैसे दवा हमने यहाँ से निकाल दी, अब जब ये वापस देखिए ये अंदर जा रहा है, देखिए ये हवा वापस जा रही है, तो ये सामने एनल कैनाल से हवा इसके जाती है, तो जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है चारों तरफ इस एप्लीकेटर के वो इसमें चिपकने नहीं पाती। जब चिपकती नहीं है तो जाहिर सी बात है इस पर चोट भी नहीं लगेगी। तो कोई भी आप क्रीम यूज करें, कोशिश करें कि जो क्रीम आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें एप्लीकेटर इस तरह का होना चाहिए, इसका अच्छा रिजल्ट होता है। इस तरह का एप्लीकेटर करने से कई बार हमने देखा है पेशेंट को चोट लग जाती है। और देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है, इस तरह का एप्लीकेटर कितना यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, कहीं जाते समय भी कोई दिक्कत नहीं और आते समय भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएगा अंदर, आराम से आएगा। अब इसी की वजह से अगर चोट लग जाएगी तो भाई पाइल से या फिशर उसको समस्या बढ़ेगी घटेगी, आप खुद ही सोचें। लेकिन आप इस तरह के एप्लीकेटर देखिए यहाँ पे, इसमें कैसा है, ये पॉइंटेड है, पॉइंटेड है। दूसरा इसके साइड में कट लगे हैं, तो जब ये अंदर जाता है ना उसी से हमें दर्द होने लगता है, और जब जाएगा अंदर म्यूकोसा में और चिपका लेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के एप्लीकेटर का प्रयोग कोशिश करें कि ना करें। अगर इस तरह की क्रीम है तो इस तरह के एप्लीकेटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप लेके इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे अगर मान लेते हैं भाई एप्लीकेटर आपको परेशान कर रहा है अंदर नहीं जाए, तो इस तरह के जली आती हैं जिसे हम लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल के नाम से मिल जाएगा आपको, लॉक्स 2% जली बहुत फेमस दवा है। आप हल्का सा यहाँ पे क्रीम लगा लीजिए मलद्वार के मुख पे, यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा क्रीम लगा दिया, तो जैसे इस तरह की क्रीम अगर अंदर जाने में दिक्कत होती है हल्का सा क्रीम लगा के अगर आप अंदर डालेंगे तो ये आसानी से अंदर जाएगी और आसानी से बाहर आएगी। आपके एनल कैनल की म्यूकोसा मेम्ब्रेन को ज़्यादा हार्म यानी वहाँ पे हार्म उसको चोट नहीं पहुँचाएगी, तो आपके बीमारी की यानी आपके जो भी समस्या वो बढ़ेगी नहीं। थैंक यू।